DJ. अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, इंडिया वाले और पाकिस्तान वाले और पूरी दुनिया के रहने वाले सारे भाइयों दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते ते अस्सलाम वालेकुम ते पाए लागो जो कुछ भी सानू आंदे आ ते असी हाजिर होए हैं एक नवी वीडियो नाल। वीडियो देखने तो पहले या वीडियो की तरफ जाने तो पहले अबू बकर अशरफ ने मैं जेजे भाई डोना ते तुसी देखदे पे हो पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल जी जिहड़ा तुहाडा अपना चैनल आ ते हर तरह जिस तरह असी एक नवी इंटरेस्टिंग वीडियो लैके आते बड़ी अमेजिंग कोई सबक अमोज कोई मालूमती वीडियो इस तरह अज असी भी एक और नवी वीडियो लैके आए किसी की फरमाइश से सानू किसी ने कमेंट किया असी क्या चलो इस पर भी रिएक्ट कर लें देख लें किस तरह वा हजे असी देखी नहीं हाँ वीडियो का ना वीडियो हैगी है जी अज पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी है जी शाहिद खान तो इंडिया के अमीर तरीन आदमी मैं सुनया जी मुकेश अंबानी साहब ने तो उन्हों की सक्सैस स्टोरी समझ लो तो जो कुछ भी अचीवमेंट समझ लो कि किदा उन्हें तरक्की की किवें वो कामयाब होए मसा एक आम इंसान तो एक खास इंसान बनना वो किस तरह उन्होंने की जिंदगी के ऐसे लम्हात आ जड़ा ने उन्होंने जिंदगी नूं बदल के रख दिता उस बारे जो वीडियो हजे देखी नहीं असीं तुहाडे नाल देखदे हां केड़ा बंदा ज्यादा अमीर आ इंडिया दा या पाकिस्तान दा हां तो उन्होंने स्टोरी की है किस तरह इस तरह इस मुकाम ते पहुंचे ने चलो आओ वीडियो देखिए। दोस्तों आज मैं कंपेयर करने वाला हूं सबसे अमीर पाकिस्तानी शाहिद खान वर्सेस हिंदुस्तान की शान मुकेश अंबानी। दोस्तों मैंने कितने सारे कमेंट्स पढ़े अपनी वीडियो के अंदर, आप लोग मुझे कितनी बार कह चुके हो कि मुकेश अंबानी वर्सेस शाहिद खान आप वीडियो बनाओ, दोनों को कंपेयर करो एंड हमें बताओ कि सबसे ज्यादा अमीर कौन है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज आपको पता चलने वाला है उसका जवाब। तो गाइस मैं चाहता हूं आप जितना भी हो सके ये वाली वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जहां पर भी हो एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो दोस्तों मेरा नाम है गौतम, आप लोग देख रहे हो रेसल इंडिया। चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक होते हैं अमीर लोग, फिर आते हैं बहुत ही अमीर लोग, बहुत ही कम लोग फिर उसके बाद आते हैं जो कि होते हैं हद से ज्यादा अमीर लोग। जी गाइस ये दोनों उसी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इन दोनों की थोड़ी फैक्ट्स वगैरह बताने वाला हूँ, देन मैं करने वाला इन दोनों को कंपेयर। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शाहिद खान से क्योंकि आप लोगों में से कई लोग नहीं जानते हो कि वो कौन है। तो पहले हम लोग करते हैं शाहिद खान के बारे में बात। तो शाहिद खान है अमेरिकन पाकिस्तानी बिलियनर जिनका की जन्म July 18, 1950 के अंदर हुआ था लाहौर पाकिस्तान में। तो गाइस शाहिद खान इतने अमीर परिवार से बिलोंग नहीं करते थे। तो गाइस 1991 के अंदर उनको सिटीजनशिप मिल गई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो यहाँ पे ये जॉब किया करते थे बर्तनों की, यहाँ पे बर्तन धोया करते थे। इनको सिर्फ 70 रुपए मिलते थे घंटे के, जो कि गाइस होते थे बहुत ज्यादा कम। एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करी एंड उसके बाद ये कार बम्पर्स के बिजनेस में जुड़ गए। तो गाइस इनका भाग खुल गया एंड इनको मिल गया बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट टोयोटा की तरफ से एंड ये बनाया करते थे बम्पर्स जो कि होते हैं कार्स के टोयोटा के लिए। उसके बाद शाहिद खान ने बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया। 2011 के अंदर इन्होंने जैक्सनविल जैगुआर जो कि NFL की टीम है वो उन्होंने $750 मिलियन के अंदर खरीद ली। उसके बाद गाइस 2013 के अंदर इन्होंने फुलहैम फुटबॉल क्लब जो कि है इंग्लिश प्रीमियर लीग का इन्होंने खरीद लिया $200 मिलियन के अंदर। एंड गाइस अब तो आप जानते ही हो कि ये AEW जो कि है ऑल एलीट रेसलिंग के ये असली ओनर है, जो कि फाइनेंशियल बैकअप मिली हुई है AEW को वो मिली हुई है शाहिद खान से। एंड गाइस शाहिद खान की एक सुपर यार्ड भी है जो कि है $250 मिलियन की, जिसका की नाम है किस्मत। एंड गाइस अब शाहिद खान एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम ओन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका की नाम है वेम्बली स्टेडियम, जो कि वो खरीदना चाहते हैं $800 मिलियन के अंदर। एंड गाइस अभी तक यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, इनकी नेटवर्थ है $7 बिलियन की। एंड गाइस ये बन चुके हैं सबसे अमीर पाकिस्तानियों में से एक। तो दोस्तों ये तो थी शाहिद खान के ऊपर बात, अब हम लोग करते हैं मुकेश अंबानी के बारे में बात। तो गाइस मुकेश अंबानी का जन्म हुआ था 19th अप्रैल 1957 के अंदर। एंड गाइस ये पैदा हुए थे आदिन यामीन के अंदर जो कि एक सऊदी अरेबिया में एक जगह है। एंड गाइस अगर मैं आपको थोड़े से क्विक फैक्ट्स बताऊं तो मुकेश अंबानी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर हुआ था। एंड गाइस ये स्टार्टिंग से इतने अमीर नहीं थे, सेम शाहिद खान जैसी स्टोरी है कि शाहिद खान भी स्टार्टिंग में इतना अमीर नहीं थे। एंड गाइस मुकेश अंबानी बचपन से ही एक बहुत ही बड़े स्पोर्ट्स के फैन थे। इन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में ये सुनने में आया दोस्तों कि इन्होंने आज तक एल्कोहल को टच नहीं किया है एंड ये प्योर वेजिटेरियन है। एंड गाइस ये यंग उम्र से इन्होंने धीरूभाई अंबानी जो कि लेट मिस्टर धीरूभाई अंबानी है जो कि इनके फादर थे, तो गाइस मुकेश अंबानी अपने टीनेजर इयर्स के अंदर उन्होंने अपने फादर का हाथ बिठाया बिजनेस के अंदर। तो गाइस धीरूभाई अंबानी ने 1980 के अंदर मुकेश अंबानी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से वापस बुला लिया एंड उनको डिसकंटिन्यू करवा दी उनकी MBA की डिग्री।
क्योंकि गाइस धीरूभाई अंबानी का मानना था कि जो क्लासरूम की पढ़ाई होती है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती जितने की ज्यादा एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के अंदर। तो जब मिस्टर धीरूभाई अंबानी की डेथ हो चुकी थी तो मुकेश अंबानी इतना सक्सेसफुल हो चुके थे, वो इतना काबिल हो चुके थे कि उन्होंने रिलायंस कंपनी उन्होंने संभाल ली थी। एंड गाइस वो इस टाइम पे है लार्जेस्ट शेयर होल्डर रिलायंस लिमिटेड कंपनी के। एंड दोस्तों मुकेश अंबानी का भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स के अंदर एंड वो इस टाइम पे है ओनर मुंबई इंडियंस के अंदर जो कि है आईपीएल की टीम। एंड गाइस उन्होंने रिलायंस जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी उसको और भी ज्यादा ऊंचाइयों पे लेके गए। एंड गाइस मुकेश अंबानी ने 2016 के अंदर जियो लॉन्च किया एंड इंडिया को दिया सबसे तेज इंटरनेट बहुत ही ज्यादा सस्ते के अंदर। एंड उसके बाद उनके बाग खुल गए एंड वो बन चुके थे बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान जो कि वो पहले से ही थे। एंड गाइस अगर मैं आपको थोड़े और फैक्ट्स बताऊं, अगर मैं आपको इनकी दौलत के बारे में बताऊं तो गाइस 7 जन्म निकल जाएंगे पर हम इनकी दौलत काउंट भी नहीं कर पाएंगे। पर गाइस अगर मैं आपको थोड़े बहुत और फैक्ट्स बताऊं तो गाइस इनकी है लार्जेस्ट रिफाइनरी। एंड गाइस इनकी रैंक है 32 मोस्ट पावरफुल इंसानों में से एक, 19th richest person है इस दुनिया के अंदर। एंड गाइस नंबर 1 है इस दुनिया के अंदर richest Indian। एंड गाइस इनकी नेटवर्थ है 50 बिलियन डॉलर्स की। तो गाइस अगर मैं वो कंपेयर करके बताऊं तो सीधी सी बात है आपके सामने, शाहिद खान के 7 बिलियन डॉलर की और इनकी है 50 बिलियन डॉलर की। तो गाइस कोई कंपेयर भी नहीं कर सकता इन दोनों की जो नेटवर्थ। तो आप लोग जानते हो कि कौन ज्यादा अमीर है, पर गाइस इस वीडियो का मैसेज ये नहीं था कि कौन ज्यादा अमीर है, पर इस वीडियो का मैसेज था कि ये दोनों आदमियों का जन्म हुआ था एक बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास फैमिलियों के अंदर से एंड ये दोनों थे सेल्फ मेड बिलियनर। इन दोनों का कोई भी एक्सक्यूज नहीं था, ये सिर्फ करते थे सिंपल हार्डवर्क एंड वो अब जाके इतने इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो गाइस अगर हम लोग कुछ सीखना ही है इस वीडियो से तो हमको ये सीखना चाहिए कि अगर हम लोग हार्डवर्क कंसिस्टेंसी से अगर काम करें तो इस दुनिया के अंदर हम लोग कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। एंड गाइस ये वाली वीडियो थी एक बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो इन दोनों के ऊपर। एंड गाइस मैं इन दोनों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं एंड मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि एक बंदा ऊपर है और एक बंदा नीचे है। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए रेसल इंडिया को एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए। भाई जी कमाल करता हुआ ये इतनी दौलत देख लो के एक गरीब घराने का खाओ शाहरुख खान खाओ खाओ मुकेश अंबानी साहब ठीक है जी, मगर उन्होंने यही दसिया वा कि जो मेहनत और लगन है ना वो इंसान की काया पलट दिंदी आ, इंसान की तकदीर बदल तो ये नहीं कि तकदीर लिखिया होंगे वा तकदीर बदलनी पैंती आ। जिस तरह इन्ह दोनों अपने सामने दोनों ऐसे समझ लो कि नमूना लाइफ का नमूना जिंदगी का कि किस तरह अगर तुम बढ़ सकते हो। हुण देखो कि उन्होंने किस तरह किया, एक नूं स्पोर्ट्स लगन हैगी सी, दूसरे नूं अपने नूं स्पोर्ट्स ही लगन आ, एक दी मुंबई इंडियन आ। ओही मैं गल करदा कि ओह देख लो तुसीं कि उन्हां दी मेहनत जाया नहीं गई किथे ना किथे ते अज उन्हां नूं उन्हां दी पहचान पूरी दुनिया ते आ। बिल्कुल यार पूरी दुनिया ते ओह शाहरुख खान साहब ओह स्टेडियम खरीदण दे चक्करां च उन्हां कोल 7 मिलियन डॉलर आ, उन्हां कोल 50 मिलियन मुकेश साहब कोल हर इंसान नू के मेहनत लगन ना तुसी हर मुकाम हासिल कर सकते हो अगर इंसान चाहे ते मैं जा सकता जा मेनू कोई पिछो कोई सपोर्ट करे तो मैं अगे जावां नहीं, बंदा अपनी मेहनत लगन ना अगे जावे ना उंदी कोई मजा ही कुछ होर आ। फिर दुनिया भी उन्होंने याद रखती सुनहरी लफ्ज़ च लिखा जाता नाम, जिस तरह अज इन्हां दा मुकेश अंबानी साहब का नाम लिखा जा रहा है या शाहरुख खान साहब का, इन्हां दे नाम सुनहरी हरूफ नाल लिखे जाणगे तारीख दे विच कि बंदे कित्थों किस तरह इस लेवल ते इस मुकाम ते पहुंचे ने। बाकी हर बंदे लगन ना ते तुसीं सानूं कमेंट च दसना वा कि तुहानूं वीडियो कैसी लगी आ। अगर वीडियो अच्छी लगी आ तो तुसीं इस चैनल नूं सबसक्राइब करो, अगर सबसक्राइब किया वा तो इनू बैल आइकन का बटन दबाओ। बहुत शुक्रिया अगर किया सबसक्राइब, तो मिलते हैं अगली वीडियो। अल्लाह ओके जी, अल्लाह हाफिज़ फी अमानुल्लाह।